मैं नरेश शर्मा एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन एंड जनरल सेक्रेटरी द हरियाणा चेस एसोसिएशन। कुछ टाइम पहले सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट CP3 में एक चेस टूर्नामेंट के सिलसिले में मैं आया था, तो यहाँ पे मिस्टर हितेंद्र टोकस ने मुझे इस रिजॉर्ट को बड़ा अच्छी तरह से घुमाया। जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की क्वालिटी देखी, यहाँ की वर्कमैनशिप देखी, तो मैंने उनसे कहा, यार मैं तो बहुत मिस कर गया कि मैं कुछ जगह पर ले नहीं पाया। उन्होंने कहा, शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है, CP3 अभी आ रहा है, आप एक बार वो देख लीजिए। मैं CP3 देख के आया और एक लाइन में कहूँ तो लव एट फर्स्ट साइट मुझे वो जगह लगी। मैंने अपने बेटे को दिखाई और उसने भी क्लियर फर्स्ट उसमें ही कह दिया कि पापा यही वो जगह है जो हमारी सपनों के लिए मैं देख रहा था, सपनों में भी देखता था कि अगर मैं नहीं भी हूँ तो आप वहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हैं, वो सारी चीज़ देखते। अब मैंने देखी वहाँ पे, आज भी वहाँ पे, अभी चाहे आपका जब भी पोजीशन मिलेगा, जब भी होगा, लेकिन इन लोगों का CP3 का, मेरा गुड़गांव, मैंने आपसे बताया कि 60 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ, बहुत अच्छे लिंक्स हैं, अनेक बिल्डर्स से मेरे लिंक है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और यकीन मानिएगा, जब मैंने कई बिल्डर से CP3 के कंपटीटर से जिक्र किया कि भैया मैं प्लॉट लेना चाह रहा हूँ CP3 में, तो उन्होंने कहा, जी आप आँख बंद करके ले लो, इस बिल्डर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मेरा तो फिर भी एक इन्वेस्टमेंट काफ़ी थी, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रोज़ाना आज ये खरीद लिया कल फिर खरीद लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम है। हमारे पिताश्री ने हमें दिया था, मैं अपने बच्चों को ही देखे जा रहा हूँ, उसके बाद वो आगे करेंगे, वो तब के तब देखेंगे। तो ये देखते हुए एक नेट इस पर मेरा पहुँचा और मैंने वहाँ CP3 के अंदर एक अपना प्लॉट लिया, और मैं ये मानता हूँ कि मेरे शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत फैसला यही होगा।